हेलो नमस्कार दोस्तों, सुनीता जी के किचन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज बनने वाला है एक नया रेसिपी। रेसिपी में बनेगा ब्लेड बिस्कुट के केक बनेगा। तो ब्लेड बिस्कुट के केक बनाने के लिए हम जो सामान ले लिए हैं वो सामान आपको नजदीक से दिखलाते हैं। ये ब्लेड बिस्कुट है, उसके बाद ये सुधा दूध है, उसके बाद ये चीनी है। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तकला बने रही है, तो चलिए हम दूध उबालना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दूध उबालने से पहले हम चलिए चूल्हा धरा लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया है, तो चलिए हम दूध डाल देते हैं उबालने के लिए। दोस्तों जब तक इधर दूध गर्म हो रहा है तब तक इधर हम बिस्कुट के कोरी काट करके हटा देते हैं केक बनाने के लिए। दोस्तों तो चलिए ब्लेड बिस्कुट हम दोस्तों पन्नी में से ब्लेड बिस्कुट हम फाड़ करके सभी निकाल लिए हैं। तो ये कोरी जो होता है साइड वाला, इसको हम चाकू से काट करके इसको हटा देंगे। इस तरह से इसको हम हटा देंगे, इस तरह इसी तरह से बारी बारी से सभी हम ब्लेड बिस्कुट का कोरी काट करके हटा देंगे सभी को। दोस्तों सभी ब्लेड बिस्कुट को जितना कोरी होता है सभी को हम तोड़ करके साइड वाला हटा दिए हैं, कांट वाला। उसके बाद ये ब्लेड बिस्कुट है, उसके बाद इसको हम मेही कर करके सबके हम मेही कर करके तोड़ लेंगे। दोस्तों ब्लेड बिस्कुट को सभी को हम बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं, बहुत मेही हो गया है ये ब्लेड बिस्कुट के। इसी तरह मेही किया जाता है केक बनाने के लिए। ये हम ब्लेड बिस्कुट के केक बनाते हैं अपने देसी तरीका से और देसी अंदाज में बनाते हैं, जो देखिए कितना आसान से ये ब्लेड बिस्कुट मेही हो गया है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी तरह हम सभी ब्लेड बिस्कुट के सभी को हम मिक्स कर लिए हैं। दोस्तों ब्लेड बिस्कुट के केक आप कभी खाए हैं कि नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार मेरे तरीका से जरूर ब्लेड बिस्कुट के केक बना करके खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसके बाद हम केक बनाने के लिए चलिए हम दूध में चीनी डाल देते हैं। दोस्तों तो चलिए हम चीनी डाल देते हैं। दोस्तों दूध में चीनी डाल दिए, तो चलिए इसको पहले हम चला देते हैं। दोस्तों दूध में चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा हम चला दिए हैं। उसके बाद ब्लेड बिस्कुट के हम बढ़िया से मिक्स किए हुए हैं, तो एक बेर नहीं डालना है इसको, हम थोड़ा थोड़ा डालना है। उसके बाद इसको चलाते रहना है, चलाने के बाद फिर इसको डालना है, फिर से इसको चलाते रहना है। थोड़ा और बच गया है वो भी डाल देते हैं, इसको चलाते रहना है। ते रहेंगे जो गार होगा, अब खदक रहा है। दोस्तों बिस्कुट और दूध बढ़िया से गार हो चुका है, तो चलिए इसको हम उतार करके नीचे रखते हैं। बढ़िया से गार हो गया है। दोस्तों केक बनाने के लिए क्रीम हम बना करके तैयारी कर लिए हैं। उसके बाद हम केक बनाने के लिए बिस्कुट को कोरी जो होता है ये चाकू से हटा लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से सभी बिस्कुट के कोरी के हम चाकू से काट करके हटा देते हैं। ये हटा लिए हैं, इसको साइड कर देते हैं। इसी तरह से सभी बिस्कुट के कोरी हम हटा देते हैं। दोस्तों केक बनाने के लिए हम क्रीम तैयारी कर लिए हैं। उसके बाद ये ब्लेड बिस्कुट है, उसको हम कोरी हटा करके साइड कर दिए हैं। उसके बाद ये बिस्कुट के हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लेड बिस्कुट इस पर हम डाल दिए हैं, इसके ऊपर हम क्रीम डाल देते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको ऐसे ऐसे हम पूरे में बरोबर कर लेंगे। दोस्तों ये केक बनाते हैं, नए तरीके से हमारा केक बन रहा है। ये केक आप देख रहे हैं, ये केक मेरे तरीका से एक बार जरूर आप बना करके ट्राई कीजिएगा। दोस्तों बिस्कुट पर से हम क्रीम बढ़िया से बरोबर कर दिए हैं, उसके बाद हम बिस्कुट डाल देते हैं। बिस्कुट डाल दिए हैं, इधर से भी बिस्कुट डाल दिए हैं। उसके बाद ऊपर से हम क्रीम डाल देते हैं। इस पर इस तरीका से हम बरोबर कर लेंगे।
दोस्तों क्रीम हम डाल करके पूरे बरोबर कर लिए हैं। उसके बाद हम ये बिस्कुट फिर से हम डालेंगे। दोस्तों बिस्कुट डाल दिए हैं, उसके बाद क्रीम फिर डालेंगे। दोस्तों केक बनाने के लिए सभी क्रीम हम बढ़िया से लगा दिए हैं, तो ऊपर से हम क्रीम से फिर से सजा देते हैं। इस तरह से हम क्रीम से अच्छी तरह से हम इसको सजा देंगे। दोस्तों ऑरेंज क्रीम हम डाल देते हैं। चलिए हम साइड में क्रीम सजा लेते हैं। दोस्तों मेरा केक बन करके तैयारी हो गया है, तो चलिए हम केक काट करके खा करके देखते हैं कैसा स्वाद बना है। तो चलिए हम काट लेते हैं। दोस्तों केक हम काट लिए हैं, तो खा करके देखते हैं केक का स्वाद कैसा बना है। तो केक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।